नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ हिस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है बहुत इंपॉर्टेंट डे। 11/11 का पोर्टल है आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। यहाँ से न्यू बिगनिंग्स होती है। जो भी आपके लाइफ के लिए, आपके लिए बेटर होता है, वो चीज़ आपको यूनिवर्स देती है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारे हीलिंग्स होती है आपकी। सो 11/11 का पोर्टल ऐसा पोर्टल है जब एक डायमेंशन, जो दूसरे यूनिवर्स है, वहाँ से एक विंडो समझ लें आप, एनर्जी का एक विंडो, वो ओपन होता है और वहाँ से डायरेक्ट हम रिसीव करते हैं ब्लेसिंग्स और एनर्जी, हीलिंग्स वगैरह। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, सबको ये ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो ज़्यादा रिसीव करते हैं, क्योंकि वो रिसेप्टिव मोड में रहते हैं। इसलिए सो बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है। ज़रूर से मैनिफेस्ट करें आज जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ से। जो भी अपने लाइफ का आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आज रात 11:11 में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह का टाइम तो निकल चुका है, तो इसलिए रात 11:11 में ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 11:11 में ही मेडिटेशन करें। आप यू नो कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इस टाइम जो भी आपको चाहिए वो आप ज़रूर लिखें। जो भी विशेष है आपकी, आज ज़रूर उसको लिखें और किसी ऐसे जगह रख दें जहाँ से आप जब उसको निकालें तो आपकी कितनी विशेष पूरी हुई है आपको ये पता चले अगले एक साल में, मतलब नेक्स्ट 11/11 पोर्टल आने तक। सो कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, जो कि बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। तो ज़रूर कोई भी टेक्निक एक अप्लाई करें और अपने मैनिफेस्टेशन को ज़रूर करें इस टाइम पे। आज के दिन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है आज और ब्लेसिंग्स बहुत रिसीव करते हैं हम, है ना। तो अलाइंड रहिए यूनिवर्स के साथ, रिसेप्टिव मोड में रहिए कि जो भी आपके लाइफ में होगा वो अच्छे के लिए होगा। डिवाइन हमेशा आपके साथ जस्टिस करेंगे और जो भी आप रिसीव करोगे वो आपके लिए, आपके हाइएस्ट गुड के लिए होगा, ठीक है। सो आज हम यहाँ देखेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। सो जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम सब जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं। कुछ लोग कार्मिक्स के साथ हैं, कुछ लोग सोलमेट्स के साथ हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ हायर लेवल के सोल्स हैं, और सबकी ये स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है। सो हम ये चेक करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। आपके पार्टनर के साथ ही हम चेक करेंगे, ये लव रीडिंग ही होगी ये, और हम देखेंगे कि आगे क्या प्रोग्रेस है, क्या एक्शन वो आपके टुवर्ड्स लेने वाले हैं, या फिर क्या आप लोगों का रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस मोड पे जा रहा है, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस ज़रूर देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और स्पिरिचुअल जर्नी में सब हम रहते हैं ना, कुछ कार्मिक्स के साथ, कुछ सोलमेट्स के साथ, कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ, कुछ हायर लेवल के सोल्स होते हैं। सो लेट्स चेक कि क्या है पार्टनर्स की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ सिचुएशंस, उनके एनर्जी, उनके एक्शंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, क्या सीखना है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, क्या रिलीज करना है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, क्या हो गया, सारे कार्ड्स निकल गए। बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, यही है प्रॉब्लम। देखिए उल्टा आया है, माय गुडनेस, टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो उल्टा है, क्योंकि बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, यही है प्रॉब्लम। जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं उसको, हारमोनियस यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, जब तक आप दोनों के बीच या फिर आपके अपनी एनर्जीज में बैलेंस आप नहीं क्रिएट करोगे, तब तक प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसी इंसान के साथ
रिलेशनशिप में हैं और आप बहुत आपके मन में फीलिंग्स हैं उनके लिए, तो सबसे पहले उनको जानने से पहले आपको अपनी फीलिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हो बात को? हम क्या करते हैं, हम दूसरे को जज करते हैं, वो इंसान ऐसे है, मैंने इतना किया उनके लिए, उनको नहीं समझ आती है, उनको मेरे लिए मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे वो समझने की कोशिश नहीं करते। हम ये सब करते हैं, हमें करना क्या होगा, पहले सबसे पहले तो आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, कहाँ हैं आप, कितना प्यार है आपको उनसे, कितनी डीप फीलिंग्स है उनके लिए, है ना। पहले अपने आप को, अपने प्यार को जज कीजिए आप, कि क्या सच में ये इंसान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप इनके लिए वेट करोगे या फिर आप अपने आप को चेंज करोगे। ऐसा कुछ करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये इंसान इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो आपको लगेगा नहीं, मैं किसी के लिए इतना चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। अगर आपके लिए इंसान इतने इंपॉर्टेंट हैं तो आपको अंदर से ही आवाज़ आएगी कि यस आपको चेंज होना है। अगर आपको ये लग रहा है कि यस आपको चेंज होना है तो आप सच में किसी इंसान से आप बोल सकते हो कि आप प्यार करते हो। पहले खुद के ऊपर काम कीजिए, जब आप अंदर से, जब आप जो होते हैं ना, आपको वही एनर्जी सामने से रिसीव होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये डिटेल्स एक टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सॉरी वर्गो दिख रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग लियो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। रीबर्थ की एनर्जी है, नंबर 10 की एनर्जी है, कम्प्लीशन की एनर्जी है। समझ रहे हो आप लोग, कम्प्लीशन के पास आके भी जो सर्कल है ना वो कम्प्लीट नहीं हो पा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि बैलेंस क्रिएट नहीं हो रही है। किसकी? आप लोगों के अंदर की एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस नहीं हो रही है, ये है प्रॉब्लम। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। नंबर 5 और 8 भी यहाँ पे है, तो नंबर 10 जो है वो कम्प्लीशन को बता रहा है। देखिए कम्प्लीशन, एकदम कम्प्लीट होते होते चीज़ें फिर से पीछे चली जाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो सीखना है आप लोगों को वो नहीं सीख रहे हो आप लोग। सो जो रिलीज़ करना है, इम्पेशेंट एनर्जी कुछ लोगों की है जिनमें पेशेंस नहीं है, जो कि चेंज होना नहीं चाह रहे हैं, वो सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आपके पार्टनर की ओवरऑल जो एनर्जी है वो रिबर्थ की एनर्जी है। ये इंसान अगर पहले एक्शन नहीं लेते थे, अब ये इंसान एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि रिबर्थ का मतलब ये होता है कि पास्ट के जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सब कुछ रिलीज होकर ये इंसान एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ द चैरियट की एनर्जी है। द चैरियट की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जो एक योद्धा की एनर्जी आप कह सकते हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, अब वो एक योद्धा की तरह तैयार है। मतलब अब ये अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल से डरेंगे नहीं। पहले अगर डर जाते थे ये इंसान, थोड़ा सा कुछ देखते साथ ही नर्वस हो जाते थे कि अब क्या होगा क्या होगा, तो अब ये इंसान डरेंगे नहीं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, एक सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। लॉस की एनर्जी, ये इंसान अकेले होंगे, अभी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते होंगे, अकेले के साथ ये इंसान होंगे, क्योंकि ये इंसान लॉस में रह रह के, है ना, खुद के साथ रह रह के बहुत सारे रिश्ते भी इनके बिखरे होंगे, बहुत सारे लॉसेस भी इनको हुए होंगे। सब तरफ से कहते हैं ना कि भगवान की मार जो कहते हैं, ठीक है, इनको सब तरफ से इनके डोर जो है वो बंद हुए हैं, और ये इंसान एकदम अकेले जब हुए हैं तब ये इनको एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में ये इंसान आए हैं, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी भी कहते हैं। जब वो इंसान बहुत अकेला होता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई भी उसके लिए नहीं है इस दुनिया में, वो बिल्कुल अकेले हैं, और जब अकेलापन फील होता है तभी अंदर अपने आत्मा को खोजने की कोशिश करता है ना, मतलब क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों इतने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों कोई साथ नहीं देता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ये होता है। तो जब ये सब क्वेश्चन आते हैं तभी सोल सर्चिंग स्टार्ट होती है। तो ये इंसान जो है ओवरऑल इनकी एनर्जी सोल सर्चिंग की है, अकेले के साथ टाइम स्पेंड करके करते करते कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करते करते, इंट्रोस्पेक्ट करते करते इनको जो है बहुत सारी चीज़ें पास्ट से इन्होंने सीखी है। और एक चैरियट की एनर्जी में ये रिबर्थ, मतलब इनका रिबर्थ वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, और ओवरऑल इनके लाइफ की एनर्जी द चैरियट की एनर्जी है, एक योद्धा की तरह ये इंसान तैयार हो रहे हैं। अब ये इंसान नहीं डरेंगे। अब ऐसा नहीं कि इंसान नहीं डरेंगे का मतलब ये है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये इंसान सोसाइटी से नहीं डरेंगे और एकदम से अपनी फैमिली से नहीं डरेंगे और सबके सामने में आपसे शादी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें सबके लिए सही होंगी ये वही काम करेंगे, मतलब जो सच सही होगा जो सबके लिए वो ये काम करेंगे। अगर वो अपनी मैरिज में खुश नहीं है तो वहाँ डिवोर्स करेंगे और फिर आपसे मैरिज करेंगे। तो जो चीज़ें सबके लिए सही होंगी, अब ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ एकदम अच्छी खासी चल रही है और ये वहाँ सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, वैसे नहीं, लेकिन जो चीज़ें सही है ये वही काम करेंगे। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना तो सही और गलत का सबसे पहले इंसान को समझ आने लगती है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, कर्मा उसके कौन से सही और कौन से गलत है, तो उस टाइप से ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
सो अगर कुछ गलत इन्होंने किया था तो उस गलती को ये सुधारेंगे, और मैरिड अगर आप हैं और किसी थर्ड पर्सन से इनका कुछ यू नो कोई थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, तो वहाँ ये कुछ कर सकते हैं, वहाँ उनको छोड़ सकते हैं, आपके पास वापस आ सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी. तो जो सही है वही इंसान करेंगे. एक योद्धा की तरह ये इंसान अब ना किसी प्रॉब्लम से डरेंगे और ना ही पीछे हटेंगे, ठीक है. ऐसी एक एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, और एक्शन भी वैसे जो कि कर्मा धर्म सही और गलत ये सब चीज़ों को बताती है, ठीक है. आपके साथ इनको पता है कि कोई ना कोई जर्नी आपके साथ ज़रूर है इनकी, और ये जर्नी जो है ये इस लाइफ की नहीं है, ये कई पास्ट लाइफ जर्नी आप दोनों साथ रहे हो, ऐसी एक एनर्जी. तो इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए. फीलिंग्स में इनको ऐसा है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी इनको मिले तो ये इंसान आपके साथ ये जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है. हीलिंग चाहते हैं अपने, देखिए दोनों में ही हीलिंग की एनर्जी है, माई गुडनेस. ये हीलिंग चाहते हैं अपनी, सबकॉन्शियस हीलिंग. मैंने पहले भी बोला है कि इस इंसान को सबकॉन्शियस हीलिंग चाहिए. इनके पास्ट लाइफ के कई सारे वोन्स हैं जिसके चलते इनका बिहेवियर ऐसा है. अगर इनका सबकॉन्शियस माइंड हील होता है तो ये इंसान, अभी जो ये इंसान है ये वो नहीं रहेंगे, ये बहुत चेंज हो जाएंगे. सो या तो इनको पास्ट लाइफ वुंड्स हैं या फिर चाइल्डहुड वुंड्स हैं. चाइल्डहुड या तो इनका इतना अच्छा नहीं हुआ है, या फिर पास्ट लाइफ के बहुत सारे वुंड्स हैं, स्कार्स हैं, जिससे कि इनको पता है कि इनको हीलिंग चाहिए. तो सबकॉन्शियसली इनको पता है कि इनको हीलिंग चाहिए, इनकी आत्मा को पता है कि इनकी इनको हीलिंग चाहिए, इनको सोल प्योरिफिकेशन इनको चाहिए. सो इनको ये पता है कि आपके साथ जुड़ने पर इनकी हीलिंग ज़रूर से होगी. तो इनकी जो सोल है ना वो आपसे जुड़ना चाहती है, क्यों? हीलिंग के लिए, ताकि सारी चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो और ये रिश्ता जो है वो हील हो. सो अभी ये चुप होंगे, शांत होंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे. और जो चीज़ एक है, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं और आपको पता है, बहुत लोग को पता नहीं होता है ना, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं, लेकिन किसी को ये समझ में आती है चीज़ें और किसी को समझ में नहीं आती है. सो जिनको समझ में नहीं आती उनका तो छोड़िए, जिनको समझ में आती है उनको ये ज़रूर पता है कि हीलिंग की ज़रूरत है उनको, और वो जान के भी अगर हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो लूप में रहेंगे, ये जन्म भी, अगले जन्म भी, उसके अगले जन्म भी, और हर जन्म में. तो इसलिए हीलिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उसी लूप में जन्मों जन्मों तक फंसे रहोगे, ठीक है. सो हीलिंग कीजिए. आपकी जो सोल है ना उसको पता है कि उनको हीलिंग चाहिए, लेकिन आपकी जो माइंड है ना, जो आप सोल कॉन्शियसनेस में भी अपनी लाइफ को आप नहीं देख रहे हो, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देख रहे हो. बॉडी कॉन्शियसनेस माइंड से चलता है, माइंड हीलिंग हीलिंग को नहीं मानता है ना. आप जाइए कोई साइंटिस्ट से आप बोलिए कि भगवान पे विश्वास करो, मिराकल भगवान करेंगे, तुम कुछ इन्वेंट मत करो, वो नहीं मानेगा, है ना. भगवान भगवान उसके हिसाब से कुछ मिराकल विराकल नहीं होता है, वो पूरा जो प्रायोरिटी है वो अपने ब्रेन को देता है. सो उसी तरह से ब्रेन जो होता है, माइंड आपका सिर्फ आपको लॉजिकल चीज़ें ही सिखाता है. सो माइंड आपको कभी भी हीलिंग के लिए नहीं कन्विंस करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आपकी सोल पावरफुल हो जाती है तो वो माइंड को डोमिनेट करने लगेगी, और माइंड जो है वो सोल को डोमिनेट कर रहा है अभी. जो आपका माइंड आपसे कहता है आप वही विश्वास करते हो, अपनी सोल की आप नहीं सुनते हो, आत्मा की आवाज़ आप नहीं सुनते हो. जबकि सच क्या है? सच ये है कि ये आपकी सोल की जर्नी है, ये आपकी बॉडी की जर्नी नहीं है. बॉडी ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन के बाद, ये आपकी सोल की जर्नी है. इस जन्म हो गया, जो भी आपको झेलना था, आपको सीखना था, आपने सीख लिया. नेक्स्ट जो जन्म होगा वो फिर से आपकी सोल की जर्नी ही होगी. बॉडी तो सिर्फ अभी ये बॉडी है, कल कुछ और मिलेगा, है ना. लेकिन अभी आपका ब्रेन जो है वो आपको ऑपरेट कर रहा है, और आपका ब्रेन जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी की खुशियां चाहता है, आपकी बॉडी की कन्वीनियंट को चाहता है. जिसमें आपकी बॉडी कन्वीनियंट हो वही चीज़ जानता है. जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हो सुबह में, या तो फिर सुबह उठ के वॉक करना चाहते हो, तो आपका माइंड आपको सुला के रखेगा, आराम करो, सो मत जाओ, लेजी बनो, है ना. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा अगर आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी सोल जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो वो आपके माइंड को डोमिनेट करेगी. तो इसलिए आपकी सोल को पता है कि आपकी सोल को प्योरिफिकेशन चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन आपका माइंड आपको करने नहीं देगा. तो आपको कॉन्शियसली ये चीज़ों को करना होगा, हीलिंग करनी होगी, ताकि आपकी जर्नी आगे बढ़े. देखिए 10-10 की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन चीज़ें लूप में ही है. क्यों? 10-10-5 की एनर्जी है. 10-10-5 की एनर्जी क्या है? आप लूप में, मतलब कंप्लीशन के पास आते हो, फिर से आप पीछे चले जाते हो, फिर से आप कंप्लीशन के पास आते हो और फिर से पीछे चले जाते हो. तो ये चलता ही रहेगा लूप, है ना. इसलिए हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जर्नी आगे बढ़े. ओके, आपसे ये इंसान क्या चाहते हैं? हारमोनी चाहते हैं आपसे ये इंसान, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप
अपने आंख में आपने पट्टी बांध ली है, अब आपको कुछ भी देखना नहीं है। अब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप स्टक हो, आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं या फिर आपने बहुत एक्शंस लिए हैं, अब आपको एक्शन नहीं लेने हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को स्टक कर लिया, आपने खुद को बांध दिया है, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। ये इंसान आपसे हार्मनी चाहते हैं, आपसे कंप्लीशन चाहते हैं। आपकी एनर्जी में और इनकी एनर्जी में 10-10 की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं लेकिन चीज़ें लूप में हैं, बार बार सेम चीज़। अच्छा, कुछ लोगों का मुझे कमेंट दिख रहा था कि आए मेरे पार्टनर और मुझे ट्रिगर करके चले गए, ये कह के चले गए कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है ना। देखिए, जिनको बात नहीं करनी होगी वो आपको मैसेज करके, कॉल करके क्यों बोलेंगे कि मुझे बात नहीं करनी है, आपसे मुझे कॉल मत करना। ये गुस्सा होता है उनका, है ना, लेकिन दिखाते समय हम कुछ और दिखा देते हैं। सो बिल्कुल अगर उनको ख़त्म करना होगा तो वो ख़त्म कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे और कभी ज़िंदगी में अनब्लॉक नहीं करेंगे आपको, है ना, आपका नंबर डिलीट कर देंगे। तो वो होता है ख़त्म होना। कोई इंसान आपको फ़ोन करके क्यों बोलेगा कि मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, वो इसलिए ताकि आप आगे से कुछ बोलो कि मत ख़त्म करो, हम यू नो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये, अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप उसी एनर्जी में हो, तो मैंने बोला था कि आपके पार्टनर आएंगे आपको ट्रिगर करके जाएंगे और पहले से ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। सो आपको हीलिंग करनी होगी। आप चाहे एक साल बाद करें, 10 साल बाद करें, एक जन्म बाद, 10 जन्म बाद करें, हीलिंग तो आपको करनी ही होगी। सो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हील कीजिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सो कंप्लीशन ये इंसान आपसे चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, जो कि हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बैलेंस नहीं हो रही है एनर्जी, क्लिंगिंग टू द पास्ट। कोई ना कोई एक इंसान जो है वो पास्ट में रह गया, या तो आप या तो आपके पार्टनर, आप में से कोई इंसान पास्ट में रह गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में रह गए हैं, पास्ट की चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल रहे हो। मे बी इनकी कुछ गलतियां जो कि आपको, आपने पकड़ के रख ली हैं कि आपने यू नो धोखा, चीटिंग, ऐसा कुछ हुआ है जो कि आपने पकड़ ली है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बार बार आपको चीट करेंगे या फिर धोखा देंगे, या फिर जब भी बात हो रही तो आप पास्ट की बातों को ही निकाल रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप दोनों ही। जब तक आप दोनों अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करोगे, आपके काउंटर पार्ट जो हैं वो कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि खुद की हीलिंग कीजिए। जब आप खुद की हीलिंग करोगे तो वो इंसान ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, आपको उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उनका सबकॉन्शियस माइंड हील करना चाहते हो तो अपने आप को हील कीजिए। आप कॉन्शियसली अपना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को हील कीजिए ताकि उस इंसान की सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो पाए, ठीक है। सो बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं हो रही है। द सोर्स की एनर्जी है एक्शन में। इनको पता है कि आप में वो शक्ति है जो कि सब कुछ सही कर सकती है। आप में वो शक्ति है जो कि आज तक चीज़ों को सही करते आई है, लेकिन आज जो है आप करना ही नहीं चाहते हो। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप स्टक हैं और आपने सोच लिया कि अब आपको कुछ करना ही नहीं, आपको देखना ही नहीं है। अगर ये इंसान आ रहे हैं, ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कुछ देखना ही नहीं है। सो टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके दिल में प्यार नहीं है इनके लिए, आप इनसे नफरत करते हो, आप चीज़ों को सही नहीं करना चाहते हो, या फिर इनको दूसरा मौका देना नहीं चाहते हो, या फिर चीज़ें सही नहीं होंगी क्योंकि आप नहीं चाह रहे हो अब। लेकिन आप ही वो शक्ति हैं जो कि ये सब कुछ सही कर सकते हैं, इनको ये भी पता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बिल्कुल ऑर्डिनरी कर दिया है। पेशेंस इन्होंने रखा है, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सब कुछ इनको बिल्कुल ऑर्डिनरी कर दिया है। अब आपके लिए इंसान स्पेशल नहीं रहे हैं और ये इंसान वेट कर रहे हैं सही समय का। मुझे पता नहीं कि कौन सा सही समय है जो ये इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। चलिए कुछ और कार्ड्स मैं देखती हूँ कि आप लोगों को क्या रिलीज़ करना चाहिए। देखिए, पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे, अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी, अपना ऑरा चेंज करने की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी। तो ये सब मुझे ऑब्स्टिकल लग रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, कहाँ हैं अभी मेरे व्यूअर्स, किस एनर्जी में है डिवाइन, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी किस एनर्जी में है डिवाइन? माई गुडनेस, फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूर चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन? और इनको ये भी पता है कि आप दोनों का कोई स्पेशल कनेक्शन है। फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी 11-11 की एनर्जी है जो कि एक स्पेशल जर्नी को बताती है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस, अपने फाइनेंस पर फोकस, ऐसी एनर्जी है। और अदर ऑप्शंस को ट्राई करते हुए भी आप देख रहे हो, थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से माई वे और हाई वे वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। पैशन ज़रूर है, आप पैशनेट ज़रूर है आप इस इंसान के लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़े से ईगो में दिख रहे हैं मुझे।
और ऐसा दिखा रहे हो आप इनको कि आपके लाइफ में इनकी इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये इंसान नहीं आएंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? थ्री ऑफ वॉन्स। ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये लगता है कि ये इंसान कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं और इस वजह से आप चीज़ों को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट आप में नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप न्यू बिगनिंग नहीं चाहते हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट अब आप नहीं चाहते हो। अब ऐसा है कि ये इंसान आएंगे भी अगर आपकी लाइफ में, अगर ये खुद से एक्शन लेंगे भी तो भी आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स आप डरोगे, इमोशनली एफर्ट्स आप नहीं लगाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होंगे इनसे, क्योंकि आपके मन में डर बैठ गया है कि ये इंसान कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए आप इनसे इमोशनली कनेक्ट करना नहीं चाहेंगे। आप चाहते ज़रूर है कि ये इंसान आए, और आए तो आपका बिहेवियर जो हो बहुत प्रैक्टिकल होगा, मतलब इनकी एनर्जीज़ को बहुत चेक करोगे आप, उसके बाद ही आप इमोशनली आप इन्वॉल्व होंगे, इस बार मुझे ये लग रहा है। ठीक है, क्या रिलीज़ करना है डिवाइन? क्या रिलीज़ करना है? आपके पार्टनर को रिलीज़ ये करना है कि ये इंसान सिर्फ इंतज़ार करते हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए। फ्यूचर में ये आपको ज़रूर देखते हैं, और लेकिन फ्यूचर में देखने के बावजूद भी ये इंसान सिर्फ इंतज़ार ही करते हैं आपका, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। हर बार आप जो ऑफर लेके जाते हो ना, आपको वो रिलीज़ करना है, वेट करना है आपको इनका। ठीक है, हील क्या करना है डिवाइन? हील क्या करना है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या हील करना है? देखिए, यहाँ पे किसी की एनर्जी ऐसी है जो कि पास्ट की एनर्जी से निकले नहीं है, कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है जिससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, ये इंसान किसी के साथ इन्वॉल्व थे, या तो इस लाइफ में, अगर इस लाइफ में इन्वॉल्व नहीं थे तो पास्ट लाइफ का होगा, ये उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हुए, मतलब कहीं ना कहीं एक होता ना क्लोजर देना, क्लोजर नहीं दिया इन्होंने, भले ही बातचीत बिल्कुल नहीं है लेकिन क्लोजर नहीं दिया है। अब जब क्लोजर नहीं देते हम कोई रिश्ता को, तो होता क्या है, जब नया रिश्ता हम बनाते हैं तो वो सेम एनर्जी यहाँ पे भी रिपीट होती है, भले आप उस इंसान से बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, वो इंसान आपकी लाइफ में है चाहे नहीं है, वो ज़िंदा है चाहे नहीं है, लेकिन वो एनर्जी रिपीट होती है। सो इन्होंने या फिर आपने, मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, इन्होंने क्लोजर नहीं दिया किसी रिश्ते को, जिसके चलते वो एनर्जी यहाँ पे इस आपके साथ आपके रिलेशनशिप में रिपीटेशन में चल रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि रिपीटेशन में चल रही है, जिसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच। आपको हीलिंग करनी है, ओवरऑल जितने भी हीलिंग, जो भी हीलिंग होती है ना, वो सब कुछ आपको हील करना है, वो सब कुछ में कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन होता है, पास्ट लाइफ वंस होते हैं, इनर चाइल्ड वंस होते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग होती है, DNA एक्टिवेशन होता है, बहुत सारे ऐसे हीलिंग्स हैं एडवांस लेवल के जो कि आपको करने हैं। सो आपको सारे हीलिंग्स करनी है, द वर्ल्ड की एनर्जी, सारे के सारे हीलिंग्स आपको करने हैं, सब कुछ हील होगा तभी जाके आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, एक डेविल की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, डेथ एंड डेविल। एक नेगेटिव पैटर्न्स आप दोनों के बीच है जिसको हील करने की ज़रूरत है, एक नेगेटिव पैटर्न्स। अब अगर आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो तो वो चीज़ें गलत ही होंगी, अगर आप इनके बारे में सही सोच रहे हो तो चीज़ें सही होंगी। देखिए, थॉट जो है ना हमारा बहुत पावरफुल होता है, ये समझिए, जब आप उनके बारे में जो सोचोगे वही एनर्जी रिपीट होगी, और जो चीज़ें आपके अंदर होंगी वही आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए हीलिंग कहा जाता है। जब आप हील होंगे आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो रिलीज होंगी ताकि पॉजिटिव थॉट्स आपके आ सके, जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे वो पर्सन आपको वही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो समझिए हीलिंग क्यों कहा जाता है, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक इंडिविजुअल के लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप कार्मिक से डील कर रहे हो, आप सोलमेट से डील कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, आप स्टार सीड्स हैं, आप कुछ भी हैं, आपको हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझिए इसको, आउटकम क्या होगा डिवाइन? आउटकम प्लीज डिवाइन, मोर टाइम प्लीज। एक क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, एक क्लियरिटी ऐसे मिलेगी कि आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है ना
एक दूसरे का साथ आप लोगों का विश फुलफिलमेंट, मतलब एक दूसरे के साथ आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि सारी मन्नतें सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो गई, ऐसी की एनर्जी आप दोनों की है। और एक क्लैरिटी मिलेगी ये रिश्ता कहाँ जा रहा है और आपको क्या करना है आगे, क्या चीज़ें आप लोगों को हील करेंगी, क्या चीज़ें आप लोगों को रिलीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें, ये सब एक एक कंक्लूजन पर आप आ पाओगे, एक क्लैरिटी पर आप आ पाओगे जब आप अपनी जर्नी को सोल कॉन्शियसनेस में देखोगे। तब बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर आप देख रहे हो गलत कर रहे हो, आप लूप में रहोगे आप, ठीक है। सो स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपकी एक बैलेंस और एक हीलिंग के चलते कंप्लीट नहीं हो रही है, हार्मनी नहीं आ पा रही है, इसको समझिए और अपने आप को हील कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।